ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਲ ਡੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਜਾਬ ਲਾ ਤਦਾਦ ਡਾਂਸਰਸ ਮੇ ਸੇ ਐਕਸਟਰਾਸ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਏ ਨੀਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਖੱਚ ਦੀ ਖਾਚਾ ਇਹ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ नहीं ये मुलाजिम है साडा आदाब साहब हमसे भी कुछ पूछे मैं बड़ा बेचैन हूँ आपसे एक बात पूछने को क्या ये कोर्ट कहाँ से लिया अगर बात चल ही निकली है गल शुरू में यार इस बाबे का काम मुका क्यों नहीं देंगे बाबे का काम मुकने वाला ही हूँ आखिरी टेपा चलन दियाँ मैं आप तो ऐसे ना कहें मैं मर जाने मैं तेरे पुत्रा तो भी छोटी हाँ एक मिनट फोन आ केड़े जमशेद चौधरी साहब केड़े तुसी गखड़ वाले नहीं बेबी शूटिंग तो आ गल करवानी घर जाके बंद करो पखियां की मशहूरी करनी कि गुजरात फैक्ट्री है इन्हों की ये बेबी मॉडलिंग भी कर लेती है बेबी पखे ठीक भी कर लेती है उन्हें तो कोई लत्थी चढ़ी कोई नहीं ना तुम तमीज से बात करो देखें आज के जूनियर सीनियर को ये जो आजकल के जूनियर हैं इन्हें सीनियर की इज्जत का कोई पता ही नहीं तुम्हारा क्या ख्याल है महराना राय क्या है ऐसे अल्लाह मुझे माफ करे मैं तुमसे महराना राय ले रहा हूँ प्लीज ये कोई एक आध फिल्म कर सकेगी या नहीं हाय अल्लाह क्यों मेरे पीछे पड़ गए क्या मेरे आपके साथ दुश्मनी की है इन्हें 100 फिल्में करनी या नहीं वो तो अल्ताफ हुसैन भी कर गया था आप देखें मुझे अल्ताफ हुसैन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना मैं आप लोगों को बन के दिखाऊंगी कुछ मेरी बात सुनो आपको दीपिका कैसी लगती है दीपिका बहुत अच्छी लगती है लग रही हूँ ना दीपिका फिलहाल आप अल्ताफ हुसैन तक ही महदूद रहे अल्ताफ हुसैन के क्रेडिट पर साला साहब है वाह वाह उसके क्रेडिट पर साहब जी है धी रानी है रुस्तम ते खान है फिर मेहंदी उसके क्रेडिट पर मेहंदी फिल्म जो मैं काम किया मेहंदी अम्मी अरी लेके आए सर जो कह रहे देख मैं मेहंदी लेके आई गाने दे सब तो पहली जड़ी मेहंदी मैं चुकी सी यार ये बड़ी कुछ सादतमंद सी एक्स्ट्रा लगती है बेबी ते चार गाने पौने जे पढ़ ली सैंडविच मंगावा मैं सैंडविच को गोली मारे अम्मी की बात सुने गाने कितने डाले हैं ओए अम्मी को गोली मारे सैंडविच मंगवाए कितु ले आंदे तुसी नाल अभी दा बच्चा मेरे तो थुक्का सुटन दे हर सीन में भूख ज्यादा है फ्लास ज्यादा ही रहता है ए मगड़ी वो जरूर तकदा है मगड़ी नहीं वो कह रहे हैं मैंने सीन कब करवाना है दूसरी फिल्म की शूटिंग में भी जाना उन्होंने यार इधर बाजी जी आए ने पहली दफा बेबी दे नाल जरा इंट्रोडक्शन हो रहा है कल बात हो रही कराने सीन हीरोइन फिर यही है ना करो यार प्लीज फिल्म बर्बाद हो जाएगी मसला क्या है आपको मुझे कोई मसला नहीं है मसला तुम्हें है क्या तुमसे एक फिक्रा नहीं बोला जाना सुनाओ लाइन हाँ सुनाओ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू सुहागन के सर का ताज होती है एक चुटकी सिंदूर ये फिल्म शुमाली लाहौर के अलावा कहीं नहीं लग सकती और कहीं नहीं समझी जाएगी रोंदी शफकशी में मंगवाए शफकत चीमा बहुत बड़ा नाम है हैं किसके साथ कंपेयर कर रहे हो अच्छा ये पागल का रोल बहुत अच्छा करे चौधरी ने चुप करा रात में लगता बिल्लियां रोन रही हैं नहीं तो बच्चा मेरी बहन है मैं चुप करा यार सारे लिए चाह मंगा जरा जाओ छह चाह में भर लो मैं चला दे जावा पर मेरे को रोड जानी है मैं सिगरेट लैन कितने गया मुंडा मम्मी आ जाना तुम मंगाए भी तो केटू देने बंद हो गए ने काम कब करना है मुझे ये बता दें वो तो शुरू कराओ चलो आप ये काम शुरू करो आई बा कमेडी मैम टेस्ट कर वो ये कहना चाह रहे कि मेरे टाइम कम है जी चले सर आओ जी आ मेरी ती उठ करो मेरा नाम ना मेरा नाम पूजा होता तेरी गल नहीं अच्छा ये घर घर नहीं खेला जा रहा मेरे नाम पूजा होता है ये फिल्म बन रही है घरों में खेलते हैं ऐसे तुम जाके कहना के कमेडी हां चलो यहां से कहीं दूर निकल चले ओके स्टार्ट साउंड एक्शन अकांबड़ी अकांबड़े अकांबड़े यार मेरे से मार ले लड़कियों की तरह है ना लड़कियों की तरह बदतमीज अगर जा जाए तो वैसे मैं कुड़ी नु दस दे करके जरा हां जी आप बताएं डायरेक्टर को तो डायरेक्ट ही करना नहीं आता अब फड़ना जरा पर्स मैं होने आनी है अरे राज सर साउंड एक्शन आई बाय कर अकांबड़ी वाली अम्मी ने वेख के उन्हें सच्ची मुच्ची कंबड़ी शुरू हो गई बिगड़ जाओ स्टार्ट साउंड एक्शन कंबड़ी चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाए माइकड़ो अंबड़ू कनागिड़ी का ढिंक चिकन ढिंक
मुझे पता आप मजाक करते हैं ऊपर ऊपर से, अंदर से आप मेरे लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात रखते मैनू दे आप नहीं पता नहीं मेरी सारी फिल्म इधर नू चली जांदी है वैसे आज का जो अहम सीन है वो है क्या? नहीं सीन कुछ इस तरह है जी, मां मर गई। ओके ठीक है, ठीक है आओ जी। आई ट्राई माय कंपनी भी बेचे कंपनी। हां अगड़ू अगड़ू आओ जरा, तू थोड़ी देर वास्ते इथे अम्मी बन जाओ। मेरे को हुण नहीं काम होंदा, मेरे हड्डियां दर्द होने लग पैंदा। तुसी सिर्फ इधर लम्मे पैणा। लम्मे पैणा ही तो काम है, होर एक्टिंग है केड़ी है। आओ जी बिस्मिल्ला। कैमरा कूमरा ना मेरे मुंह ते मारी। आ फड़ो जी। अच्छा इत्थे मेरे दो सिगरेट पाए ने ते पी ना लई पक्के नहीं जी। की आ तुसी इधर लेटे हो? अच्छा मतलब दिखाना के मर गए ने लेट जो तुसी। वाह अम्मी फौत हो गए ने। जुराबे भी पहनी है जूते। अच्छा मैं उधर से आऊंगा। हाँ जी तुसी उधर आओगे। आप दोनों भाई हैं, बचपन में आप लोग खो गए थे। तुसी इथे मतलब मैं कोल बैठना। वाह वाह। रेडी लाइट स्टार्ट साउंड एक्शन। इसका मतलब वो चल रहा है ये। ये अपने फेफड़ों में हवा भरता है इस तरह। मां वे अन्नी दिया मैं इधर पई हां। चल दोबारा दोबारा आओ। वे छेती कराला मेरी अख लागी ना मैं सो जाना जे आगे मेनू सिगरेट नहीं लबण दे। एक्शन। लो आहा मां। हां तेरी भी माँ है कंपनी। अम्मी मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अम्मी वैसे तो मैं जराबा तो भी हैरान हूँ कि तू इन्नी देर जिंदा किवें रही है। अम्मी आज तक तेनू किसी ने शर्म नहीं दिता। अम्मी आज तू जराबा धो लेंदी ना तू मरदी ना मैं मरदा। डॉक्टर साहब जे कहो तो चल दे शॉर्ट जमी जराबा ला ला। यार तू इवें मोबाइल के तो कम ले रहे हैं, ये तामल नु जराबा दे इतराज क्यों नहीं? तामल दा मेरा ख्याल नक बंद दे। नहीं तू ना कितने दंदी वड़ दी मेरे। मैं गल सुन मर गई है। हां जी मर गई जी। ओ छोर नु क्यों सिटा ना ले वे ले बेटा मु तेरा मैं को सच्ची मुच्ची मर गई हां। ओए हुन आ गए कि दो डब्बियां लावे अम्मी दी ते चार जराबा ले आवे। कमरो गुड गुड वेरी गुड सीन। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਐਡੇ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਸੋਹਣੇ। ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਗਾੜੀ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰ ਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਸਿਰਫ ਅਨਵਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸੇ ਆਗਾ ਜੀਏ ਗੁਲ ਖੁਦ ਖੋਲਤੇ ਥੇ ਜਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਨਰ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕੋ। मैं भी एक दफा गाड़ी अंदर ले आया। अच्छा आगा जी ये गुल खुद मौजूद थे वहाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर वो गाला कड़िया कड़ी का दरवाजा खोलना थे दरक ना उन्होंने कुत्ता खोलता। कुत्ता मनु सकीम मोड़ तक चढ़ गया है। मैं तो आम सुबह 7 बजे जाके फुहारे तक खलो जानी हूँ। ये चाचा जी वो तो एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते सन। कौन से चाचा जी? ए चाचा जी ये चाचा जी का नाम हूँ अम्मी पे है। अच्छा गल सुनो सिगरट लैन बाजार तो नहीं गया कितने? अच्छा तू तो फिर तुरदी रहनी है तेन सिगटा वाली दुकान का पता है? अम्मी जान नो बड़ी त्रोड़क हो रही है। तो तुमने कभी कोई पंजाबी फिल्म की है? जी एक दफा की थी। फिर इन्होंने मैंने घोड़े से बिठाता। अच्छा उदो दिया मेरी लत्त इंजन। इसकी क्या वजह? वो घोड़ा बड़ा मोटा सी डायरेक्टर की तरह। मैनू इन्होंने कुछ 16-17 घंटे घोड़े से बिठाई रखे। घोड़ा भी बेचारा सौं गया मैं भी सौं गया और मेरिया लत्तां भी सौं गई। इन्होंने मुझसे बहुत लंबा सीन करवाया। सीन ये था कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मैं बदमाशों के घर जा रहा हूँ। वो घोड़ा एडा कमबख्त
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਚੇਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਿਫਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ।